लालू प्रसाद यादव को लेकर एक दुख भरी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रांची रिम्स में इलाजरत आरजेडी सुप्रीमो की किडनी फंक्शनिंग तीसरे से चौथे स्टेज पर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है उनके जान को खतरा है। रिम्स में पिछले 2 साल से उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखे डॉक्टरों की टीम के हेड डॉक्टर उमेश प्रकाश ने बताया है कि जब लालू प्रसाद यादव रिम्स में इलाज के लिए पहुँचे थे तो उनकी किडनी फंक्शनिंग तीसरे स्टेज पे थी, लेकिन बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों से अब उनकी किडनी फंक्शनिंग की स्थिति चौथे स्टेज पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य में गिरावट को देखते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया था। डॉक्टर उमेश प्रसाद के अनुसार किडनी फंक्शनिंग 5वें और अंतिम स्टेज में पहुंचने पर विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसे में जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे हालात में मरीज के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के विकल्प के रूप में ही बचता है। स्वास्थ्य में गिरावट एक दिन में नहीं होता, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किडनी हो या हार्ट या लंग्स हो, एक बार डैमेज होने के बाद उसकी स्थिति खराब होती जाती है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को लेकर पूरा बिहार प्रार्थना कर रहा है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुँचाएंगे। आप भी प्रार्थना करें लालू प्रसाद यादव को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सद्दाम करीमी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि देश दुनिया और बहुजनों से जुड़ी खबर मिस ना करें। नमस्कार।